अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, यूथ वन कैरियर चैनल की तरफ से मैं आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें ये सिंध रेंजर्स की असामी आई हुई हैं। और इसमें इन्होंने जो है ऑनलाइन का तरीका भी इन्होंने तरीके का दिया हुआ है, मगर ऑनलाइन का अभी मैंने खुद कोशिश की थी कि अपना एक कज़न का अप्लाई करने के लिए, मगर इन्होंने जो है उस पर लिंक तो इन्होंने दे दिया, मगर ये लिंक इनका डाउन हुआ हुआ है। बहुत से लोग इसमें अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, इस वजह से शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किया है। और बाकी ये अपना देख सकते हैं आप, इन्होंने कोटा दिया हुआ है ओपन मेरिट, ये 7.5 पंजाब का जो है, पंजाब का कोटा इन्होंने 50% रखा है। और सिंध देहाती का है 11.4% और सिंध शहरी का है 7.6%। ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और ये टोटल है। अच्छा, बाकी हम आपको अप्लाई करने का तरीका बता देते हैं। ये आप इसमें जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट का लिंक है, मगर ये अभी डाउन हुआ हुआ है। ऐसे ही एक दो दिन में इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ये इन्होंने डेट दी हुई है 17 से 23 जुलाई। ये अच्छा, अब ये कराची, आप ये देख रहे हैं सेंटर भर्ती, ये इनका सेंटर जो है कराची में ट्रेनिंग सेंटर स्कूल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध टूल प्लाजा सुपर हाईवे। ऐसे ही यहाँ पे सखर का है, लाहौर का है और ये बाउद्दीन का है। और ये तारीख इन्होंने दी हुई हैं, आप 15 से लेकर 28 तारीख तक जैसे इनके सेंटर पर पहुंच जाएंगे, आपको फिज़िकली सब कुछ चेक करेंगे और टेस्ट भी आपका फिज़िकल वहीं पे होगा, ठीक है। अच्छा, ये भर्ती के इसमें बताया हुआ है कि आप अपने सर्टिफिकेट, सारे जो जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको लेके जाने ज़रूरी हैं, असली जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आप रख के लेके जाइएगा, वहाँ पर आपको सब चेक करके आपका फिज़िकल टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर ये तालीम की काबिलियत देख लें, तालीम की काबिलियत सब इंस्पेक्टर की जो एफ़ ए मांग रहे हैं, खतीब की मैट्रिक और हवलदार की मैट्रिक, सिपाही क्लर्क की एफ़ ए और बाकी डिप्लोमा वगैरह मांग रहे हैं। और ये सिपाही जनरल ड्यूटी, इसमें प्राइमरी की भी वैकेंसी आई हुई है। जैसे आपकी जो भी आपकी तालीम है आप उसको देख के, बाकी ये कदकाठी इन्होंने मांगी है, जिस्मानी मैार देख लें आप, कद कम से कम 5 फीट 6 इंच इन्होंने मांगा है कम से कम। अच्छा, छाती इन्होंने 33 इंच है और वज़न कम से कम इन्होंने लिखा हुआ है 121 पाउंड तकरीबन 55 किलो से ज़्यादा। अच्छा, बाकी इसी तरीके से उम्र की हद है यहाँ पे। और नाहल बराहे भर्ती, इन्होंने वो वजूहत दी हुई है जिनको भर्ती के दौरान नाहल करार दिया जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन सेंटर तरीक़ेकार और बाकी तनख्वाह मराद सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे। और दोस्तों, ये जैसा कि ये आप देख रहे हैं सिलेक्शन का तरीक़ेकार, ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है 500 रुपये, नाकाबिल वापसी रजिस्ट्रेशन फ़ीस उम्मीदवार ने अदा करनी होगी, सिर्फ 5 स्केल और ज़्यादा स्केल के लिए, ठीक है। बाकी इब्तदाई तबी मुआयना, फ़िज़िकल टेस्ट, तहरीरी इम्तहान, नफसियाती इम्तहान और बाकी ये नीचे सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है, यह आप रीड कर लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं नहीं बता रहा। और ये बाकी तनख्वाह वगैरह का भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है सारा हिसाब किताब जो है, ये आप देख लीजिएगा। और ये बाकी इनके दर्ज दिल हिदायत को यकीनी बनाए, ये सब इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत जल्द हम ये इनका जो मसला चल रहा है, लिंक अभी इनका नहीं खुल रहा ऑनलाइन अप्लाई करने का, अगर जैसे ही एक दो दिन में हल हो जाता है तो हम इससे रिलेटेड भी अपनी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों, इजाज़त दें, अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।